दोस्तों ड्यूक 200 को लेकर बहुत सारे लोगों को ना कलर को लेकर एक कंफ्यूजन होता है कि भाई जो कलर ऑप्शन है वो कौन कौन सा अवेलेबल है। देखिए वीडियो में आपको बाइक का पूरा रिव्यू दूंगा, लेकिन जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए दोस्तों आपको बता दूं, KTM ड्यूक 200 का भी जो नया कलर ऑप्शन आया है, जो कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, ये नया कलर ऑप्शन है, ठीक है। ये जो है ना इंडियन मार्केट में अवेलेबल है अभी, ये नया कलर ऑप्शन है। इसके आने के बाद जो व्हाइट कलर ऑप्शन है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया KTM की तरफ से। उसके बाद आपको ये नया ऑरेंज कलर मिला है, और एक और आप लोग देख पा रहे हैं ये पुराना वाला जो ऑरेंज कलर है ये आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। बाकी जो पुराना वाला व्हाइट कलर ऑप्शन आता था ना, सिर्फ उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ये दोनों ही ऑरेंज कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि भाई जो व्हाइट कलर आता था पुराना वाला वो है कि नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि वो जो कलर है उसे KTM ने अपनी तरफ से डिसकंटिन्यू कर दिया है, वाला कलर ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से KTM का बहुत ही बुरा डिसीजन था, क्योंकि अब दोनों ही कलर ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट मतलब ऑरेंज कलर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट कलर ऑप्शन डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाकी अब आप लोग बताइएगा कि आपको दोनों ऑरेंज में कौन सा ऑरेंज ज़्यादा पसंद है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो पुराना वाला ऑरेंज कलर आता है वो कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते, बात करते ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं KTM ड्यूक 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों KTM ड्यूक 200 एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 191,000, 1,91,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। ड्यूक 200 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 226,000, 226,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों KTM ड्यूक 200 में इंजन टाइप में 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर DOSC लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक में देखने को मिलता है। DOSC मतलब होता है डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन, जो कि दोस्तों SOSC इंजन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी निकल कर आती है। बाइक में दोस्तों मैक्सिमम पावर में अराउंड 25 PS के आसपास की पावर मिलती है, जो कि 10,000 RPM में पावर जनरेट करती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 19.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 8,000 RPM में पावर जनरेट करती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों ड्यूक 200 में पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन मार्केट में 200 cc के बाइक्स में अगर आप कोई भी बाइक देखेंगे तो KTM की ड्यूक 200 में सबसे ज्यादा आपको पावर मिलती है। जी हाँ, इससे ज्यादा पावरफुल बाइक कोई नहीं है अगर आप 200 सेगमेंट में देखते हैं तो। कूलिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि बाइक में आपको काफी बड़ा सा रेडिएटर देखने को मिलेगा, जिसमें वाटर पंप लगा हुआ है, जिससे आपकी बाइक को इंजन को वो कूल रखता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलता है, जिसे FI कहते हैं। जितनी भी नई जनरेशन की बाइक है सभी में BS6 इंजन में भी FI आता है। इस बाइक को दोस्तों 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया, नॉर्म स्ट्रिप एमिशन टाइप BS6 नॉर्म्स के साथ में ये बाइक आती है। दोस्तों इस बाइक की बोर साइज अराउंड 72 mm की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 49 mm के आसपास की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। दोस्तों ध्यान रखिए ड्यूक 200 6 गियर के साथ में आती है। एक छोटा सा डिसएडवांटेज आज भी आपको ड्यूक 200 में मिलेगा कि आज भी आपको KTM की ड्यूक 200 RC 200 में सभी में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, KTM ने अपनी इन बाइक्स में स्लीपर क्लच में काम नहीं किया है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक का। यहाँ पे इन लोगों को स्लीपर क्लच में काम करना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया कि ड्यूक 200 में आपको काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ड्यूक 200 कैसी लगती है। सो उम्मीद करते हैं आपको इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। ऑब्वियसली बात है, माइलेज प्लस परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों आपको बता दूं ड्यूक 200 अराउंड माइलेज 35, जी हाँ 35 के आसपास का जो माइलेज आपको ड्यूक 200 निकाल कर देगी। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 9.92 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। एंड टॉप स्पीड दोस्तों इस बाइक के अराउंड 140 से 145 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको ड्यूक 200 में देखने को
मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले बाइक की खी देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में मिलती है। दोस्तों स्पीडोमीटर में एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई आज भी KTM में आपको वही पुराना वाला स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, ड्यूक 200 में, ड्यूक 125 में भी और 250 में भी। मुझे लगता है कि KTM वालों को अब इसमें LCD पैनल दे देना चाहिए। भले स्पीडोमीटर में फीचर्स आपको सारे मिलेंगे बट लुकिंग वाइज वो उतना बेटर नहीं लगता। फीचर्स में आपको बाइक में स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, गियर शिफ्ट लाइट है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है। इवन बाइक में आपको ABS मोड भी मिलेगा, रोड एंड सुपर मोटो। फीचर्स की कोई कमी नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन लुकिंग वाइज स्पीडोमीटर उतना बेहतर नहीं लगता। स्विचेस में दो स्विच दिए गए जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पावर स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच, सेल्फ का जो स्विच है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। नहीं, पहले फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ्रंट में आपको सबसे पहले बाइक में 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं KTM की तरफ से। यह दोस्तों बहुत अच्छे सस्पेंशन है। साथ में आपको बाइक में फ्रंट में ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बाइक में आपको सबसे पहले स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ABS है जो कि बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। बाकी प्लेट साइज के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको बाइक में 300mm की प्लेट मिलती है जो कि 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ में आती है, जो कि ब्रेकिंग आपको बहुत तगड़ी मिलेगी। और फ्रंट में आपको टायर साइज बाइक में आपको 110/70 का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि R17 टायर है मॉडल नंबर। बात करें दोस्तों इस बाइक के अब लाइट्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको इसमें छोटा सा डिसएडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले बाइक की लाइट देख पा रहे, बाइक में आप लोगों को सबसे पहले LED डियर लाइट तो मिलती है, बट जो हेलोजन लाइट है मेन लाइट, वो आपको फुली इसमें हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, जो कि बाइक का मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। KTM लोगों को भाई इस बाइक में अब LED लाइट दे देना चाहिए। इवन भाई हम इसके लिए इतना जितना पे करते हैं उसके हिसाब से तो इसमें LED लाइट होना ही चाहिए, और KTM लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसमें LED लाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टर्न सिंगल लैंप जरूर LED है। टेल लाइट में आपको बाइक में LED देखने को मिलता है। दोस्तों रियर में आपको बाइक में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। बहुत अच्छे सस्पेंशन यूज़ किए गए। रियर में आपको बाइक में 230mm के आसपास की जो प्लेट है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। और रियर में आपको 150/60 वाले जो टायर साइज है वो बाइक में मिलते हैं। बात कर ले दोस्तों अब इस बाइक की डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ अराउंड 2002mm की है। बाइक की जो ओवरऑल विड्थ है अराउंड 873mm की है। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है अराउंड 1274mm की है। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155mm की। बाइक की जो सीट हाइट है दोस्तों वो 822mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 है, उससे ऊपर आप इसे कंफर्टेबल हाइट कर सकते हो। व्हील बेस है 1357mm की। ड्राइव वेट है 150.3 kg का। कर्व वेट है बाइक का 159 kg का। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में अराउंड 13.4 लीटर के आसपास की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को KTM की ड्यूक 200 कैसी लगती है। आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से ड्यूक 200 वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स में से एक है। हाँ, लेकिन भाई थोड़ा सा अपग्रेड की भी ज़रूरत है, अपडेट करना चाहिए KTM वालों को। बाकी बाइक में नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ड्यूक 200 कैसी लगती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।